हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोल्डी एंड वेलकम टू माय चैनल गोल्डी रेली। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ केक, जो मैं मैदे से बनाऊंगी और जिसको मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। आप इसके लिए माइक्रोवेव ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको कढ़ाई में ही मैदे का केक बना के दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बनाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि केक के लिए जो बैटर है उसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको डेकोरेशन का सामान बाद में दिखाती हूँ, पहले हम बैटर बनाएंगे, इसलिए मैं आपको बैटर का दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है 3 कप मैदा, ऑल पर्पस जो फ्लोर होता है। इसमें मैंने बड़ा केक, मुझे थोड़ा बड़ा केक बनाना है दोस्तों, मैं ये वाला इस कंटेनर में बनाऊंगी, इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आप यदि छोटा बनाना चाहें केक को तो आप 2 कप मैदा ले सकते हैं, मैंने 3 कप मैदा लिया है। और जितना आप मैदा लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी में दही लेंगे। मैंने 3 कप मैदा लिया है तो ये 1.5 कप दही लिया है। यदि आप 2 कप मैदा लें तो 1 कप दही ले सकते हैं। और ये 1/2 कप ऑफ ऑयल लिया है मैंने, ये आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ये 1 कटोरी चीनी पाउडर लिया है मैंने, और ये 1/2 टेबल स्पून ये मैंने सोडा लिया है, और ये 1 फुल टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। सोडा, ये बेकिंग सोडा रहता है जो नॉर्मल सोडा होता है, खाने में यूज करते हैं किसी भी चीज़ में। और ये बेकिंग पाउडर है जो इस टाइप की डिब्बी में मार्केट में मिलता है, ये वाला खुला ही मिलता है पैकेट में, नॉर्मल पैकेट में। सबसे पहले दोस्तों हम इसको ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लेते हैं। तो बटर पेपर मैंने पहले से काट के रखा है। इसको आप बटर पेपर के ऊपर, इस कंटेनर को ऊपर रखेंगे केक टिन को, और साइड में उसके निशान लगा के इसको इसके साइज में काट सकते हैं, ये आप हर साइज के काट सकते हैं बटर पेपर को। तो चलिए हम पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, उसको अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। ये लगा दिया मैंने इसमें, अब मैं इसको ये बटर पेपर इसमें बिछा देती हूँ। अच्छे तरीके से इसको बिछा देंगे। अब थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी लगा देंगे जिससे हमारा केक इसमें टिन में चिपकेगा नहीं, बिल्कुल क्लीन निकलेगा। ये हमारा केक टिन रेडी हो गया। अब बैटर बनाने से पहले हम अपने कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। गैस ऑन कर दी मैंने, अब इस पे ये स्टैंड रख के आप इस साइज का रख लीजिए, या इस साइज का रख लिए, आपके पास जो भी साइज अवेलेबल हो आप वो रखिए, मैंने ये रख दिया है। अब इसको मैं पहले से प्रीहीट होने देती हूँ, ढक के रख देते हैं इसको, गर्म हो जाएगी। दोस्तों आप पहले ही देख लीजिए इसको कि आपका जो टिन है ये आपके कढ़ाई में फिट आ रहा है नहीं, ढक्कन लगने के बाद। ये यदि फिट नहीं आ रहा तो आप थोड़ा छोटा टिन लीजिए, कोई भी कटोरा बर्तन कुछ भी ले लीजिए, स्टील का या एल्युमिनियम का, मैंने पहले ही रख के देख लिया था। चलिए दोस्तों मैं बैटर बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं पहले दही लेती हूँ, दही को मैं इस बाउल में डाल देती हूँ। ये मैंने 1.5 कप दही डाल दिया है, 1.5 कप, और इसको अच्छे से फेंट देती हूँ। आप किसी भी चम्मच से, स्पून से, या किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद मैं डालती हूँ इसमें चीनी पाउडर। चीनी पाउडर मैंने 1 कटोरी लिया है दोस्तों, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मीठा खाना है आपको, फीका खाना है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों मैं इसमें डालती हूँ ये ऑयल, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है,
इससे केक अच्छा फ्लफी बनता है और उसमें नमी भी रहती है, मॉइस्चर अच्छा आता है केक में, ड्राई ड्राई नहीं रहता केक। ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया था। अब दोस्तों इसमें मैं ये दोनों ये डाल देती हूँ, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों मैं इसमें एक एक करके मेहंदी डाल देती हूँ। ये मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ है, मैदे को छानिए जरूर दोस्तों, इससे केक अच्छा बनता है। इसमें एयर आ जाती है केक मैदे में, तो केक अच्छा बनता है। अब मैं इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। एक कप मैदा और इसमें मैं डालती हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करके देखते हैं, आपका ये बैटर गाढ़ा है या पतला होगा ये आपके दही पर डिपेंड करता है। आपने यदि पतला दही लिया होगा तो ये बैटर गीला रहेगा, और यदि आपने गाढ़ा दही लिया हुआ है तो ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। ये आप उस हिसाब से अपने हिसाब से लीजिए। मैंने घर का दही यूज किया था, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप घर का ही जमाया हुआ दही लें, उससे केक अच्छा बनता है। दोस्तों ये अभी बैटर हमारा गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। हमें एकदम पतला बैटर, मीडियम टाइप का बैटर बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं ना ज़्यादा पतला। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने आधे गिलास दूध लिया था, दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बाहर निकाला हुआ फ्रिज से, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। अब इसको इसी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। इसको वन साइड ही मिक्स करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। अब इसको मैं अच्छे से आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें इतना दूध और डाला है, पूरा हाफ गिलास भी नहीं डाला है। अब इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए, ये हम जैसे ऐसे कर रहे हैं तो ये ऊपर से ऐसे गिरे, ये गाढ़ा भी नहीं है पतला भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। ऐसा देखिए, बैटर ये हमारा तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं ये वनीला एसेंस डाल देती हूँ। आपको जो चॉइस हो आप वो डाल सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, अब इसको मैं कंटेनर में ट्रांसफर कर देती हूँ। इसको हमारी कढ़ाई भी रेडी हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बैटर गिर रहा है, ये यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए बैटर की। ये डाल दिया मैंने बैटर इसमें। अब इसको एक दो बार अच्छे से टैप कर लेंगे, अच्छे से उठा के ऐसे, जिससे इसमें एयर नहीं बनेगी। चलिए अब देखते हैं, ये हमारी कढ़ाई अच्छे से हीट हो गई है। इसको मैं बैटर को इसमें रख देती हूँ अच्छे से। ये बड़े केयरफुली करिए दोस्तों, और स्टैंड को बिल्कुल बीचों बीच रखिए, ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक एक साइड से फूलेगा। इक्वल होने चाहिए बिल्कुल। ये देखिए,
ये मैंने बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। अब इसको मैं ढक देती हूँ और गैस की लो बिल्कुल स्लो कर देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे केक हमें बनाना है। करीब 30 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी, खोल के एक बार चेक करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, करीब 40 मिनट के करीब हो गए, अब मैं इसको देखती हूँ। वाह, अच्छी तरीके से फूल गया एकदम। अब मैं ये चाकू से इसको ज़रा चेक करती हूँ, चाकू बिल्कुल क्लीन निकली है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए साइडों से भी अच्छा सिक गया है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप सनसी से या किसी कपड़े से, केयरफुली गर्म रहता है ये, इसको निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब इसको देखते हैं कितनी देर में ये ठंडा होता है, अभी तो बहुत गर्म है। अब दोस्तों केक की आइसिंग के लिए हमें व्हिप क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं ये रिच सन व्हिप क्रीम है, ये आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, ये 1 kg का ही पैक आता है, ये किसी भी बेकरी पे आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको खोलती हूँ, इसको बिल्कुल फ्रीजर में रख दीजिए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब आपको व्हिप करनी हो क्रीम, तब आप निकालिए इसको। मैं इसको ओपन करती हूँ। दोस्तों मैंने ये ओपन कर दिया है, इस क्रीम को मैं इसमें डाल लेती हूँ। जितनी आपको व्हिप करनी है आप उतनी ही निकालिए। चलो अब इसको व्हिप करते हैं। ये मेरा व्हिपर है, व्हिप करने की मशीन है ये। इसको पहले लो पे व्हिप करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, और फूल के भी क्वांटिटी में बिल्कुल डबल हो गई है। हमारी क्रीम एकदम रेडी है, अब हम केक डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा जो केक है, इसको अब हम 20 से इसके डिवाइड कर लेते हैं, 20 से इसको। दोस्तों हमारा ये केक है, मैंने इस पर रख दिया है, ये रेबलिंग ट्रे होती है, केक को घुमाने काम आती है। अब मैं इस केक को ना 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ चाकू से। इसको देखते हैं, कट गया। देखिए दोस्तों क्या बढ़िया जालीदार ब्रेड बनी है हमारी केक की। अभी हम इसमें बीच में आइसिंग करते हैं। ये हमारी क्रीम को हम इसके बीचों बीच लगा देते हैं।
दोस्तों हमने इस पर क्रीम लगा लिया, विप क्रीम। अब इसमें ये है, ये पाइनएप्पल पल्प है। ये बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है, यदि आप बोतल में से आप यदि चाहें तो फ्रेश पाइनएप्पल का भी बना सकते हैं। मैं इसको इसमें बीच में डाल देती हूँ। इसका टेस्ट दोस्तों बहुत अच्छा आता है पाइनएप्पल की। आप जितना डालना चाहते हैं डालें अपने टेस्ट के। मैं इसको भी अब स्प्रेड कर देती हूँ पूरे में। ये क्रीम स्प्रेड करने की नाइफ आती है, आप इसको चम्मच से भी कर सकते हैं। और इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। मैंने इसके ऊपर का हिस्सा काट के चाकू से इसके अंदर ही कर दिया है, जिससे ये पूरा प्लेन हो जाएगा। बीच से थोड़ा उठा हुआ था। चलिए दोस्तों अब इसको ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं। मैंने ये जो क्रीम रखी है इसके ऊपर डाल देंगे हम ढेर सारी क्रीम। ये मैंने रेड जेल कलर लिया है, इसको मैं क्रीम में इसकी थोड़ा सा डाल देंगे इसको। इसको मिक्स करके देखती हूँ। वाओ क्या परफेक्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये पाइपिंग बैग में मैंने ये नोजल लगा दी है। अब इसको इस तरह से गिलास में डाल के इसमें मैं क्रीम भर देती हूँ। इसको इसमें फिल कर देते हैं। दूसरा लगाना पड़ेगा।